हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसकी हम लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस पूरे के पूरे लेक्चर में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसकी डेफिनेशन पर आएंगे। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में मौजूद है जो, वो क्या है, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर जो है अगर इसको हम एटॉमिक लेवल पर तोड़ने की कोशिश करें तो ये ढेर सारे एटम से मिलकर बना होगा या फिर ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि एटॉमिक लेवल पर अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम वेट्स के फॉर्म में करें, मासेस के फॉर्म में करें, तो हम देखेंगे कि ये ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग एक सेपरेट बॉडी की तरीके से वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो लोकेशन होती है, इनकी जो पोजीशन होती है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा कॉन्स्टेंट बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से ये अपना शेप रिटेन करता है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की शेप को देख रहा हूँ वो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे से ऐसी डिस्टेंस पे होंगे, ऐसी पोजीशन पे होंगे कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बस के अंदर ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जिस सीट पे जो बैठा हुआ है अगर वो वहीं पे बैठा रहे तो क्या होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैसेंजर्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस फिर भी मूव कर रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर ढेर सारे एटम्स हैं और ये सब के सब अपना अपना मास लिए हुए हैं। तो क्या होगा, जब अर्थ इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी तो ये सारे के सारे मास जो हैं इनका अपना अपना पर्टिकुलर वेट होगा और ये सब का सब जो है टुवर्ड्स द अर्थ के ग्रेविटेशन की तरफ वर्क कर रहा होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ऐसे हम देखेंगे ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसे वर्क कर रहे होंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और सबका वेट जो है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स वर्क कर रहा होगा। तो ये क्या हो गया, ये जो वेट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, वेट एक तरीके का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे के सारे वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स वर्क कर रहे हैं और ये सब के सब पैरेलल हैं, तो इनका कुछ रिजल्टेंट फोर्स भी होगा। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है जिस पॉइंट से वर्क कर रहा होगा, यानी कि इसका मास जो है ऐसा लग रहा होगा कि इसका टोटल वेट जो है एक पॉइंट पे वर्क कर रहा है और इसका टोटल वेट W हो गया। यानी कि अगर हम इसका नेट वेट निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, इन सब के वेट्स का सम होगा। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n नंबर ऑफ वेट्स जो होंगे वर्क कर रहे होंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा n W के इक्वल होगा, स्मॉल W। तो नेट वेट हम ऐसे इसका कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हर एक पार्टिकल का हमको वेट पता हो। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये n नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स है और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जाएगा या जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा उसी को हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो पॉइंट जहां पर उसका रिजल्टेंट वेट वर्क कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम यहां पर देख लेते हैं। द पॉइंट विद इन अ बॉडी वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी बॉडी के अंदर वो पॉइंट जहां पर उसका टोटल वेट एक्ट कर रहा होता है उसको हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कमोवेश एक ही चीज है। बस यहां पर अंतर क्या है कि आपको पता है कि यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अपना मास है,
लेकिन उस बॉडी का जो वेट है वो इस पॉइंट सी पर ऐसा लगता हुआ हमको महसूस हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये वेट एक्ट कर रहा है उसी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि उसकी पूरी बॉडी का मास भी उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, और इसीलिए हम इसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। जिस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट का टोटल मास कंसंट्रेटेड महसूस होता है जब उसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर हम वेट वर्क कर रहा होता है, तो जिस पॉइंट पे वेट वर्क कर रहा है उस पे हम मान लेते हैं कि उसका सारा का सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, क्योंकि जो फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है, इसके सेंटर पे लग रहा होगा, इसका मास जो है यहाँ पर होगा, तभी तो वेट वर्क कर रहा होगा। इसके अंदर एक्सेलरेशन कब आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही तो इसका टोटल मास होगा जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लगभग एक ही पॉइंट होता है। तो आशा करता हूं कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।